नोएडा ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों गांवों के किसान अपने परिवारों के लिए भूमि मुआवजा में बढ़ोतरी और बेहतर पुनर्वास सुविधाओं की मांग को लेकर आज दिल्ली में संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। इसके मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट हो गई है और एहतियात के तौर पर यातायात एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हिरासत में लेने की भी तैयारी है। जगह जगह किसानों को रोका जा रहा है। पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक की भी खबर सामने आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली और पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे 200 से 250 किसानों को हिरासत में लिया गया है। चिल्ला बॉर्डर से पहले प्रेरणा स्थल के पास सड़क पर गाड़ियां लगाकर किसानों को रोका गया। करीब एक घंटे की वार्ता के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, चिल्ला बॉर्डर की तरफ से बढ़ने लगे। हालांकि फिर किसानों को रोका गया। वहीं पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं को बसों में बैठाया है। इसके अलावा धरनारत किसानों को बसों के जरिए ले जा रहा है, धारा 144 लागू कर दी है। इस बीच नोएडा प्रशासन ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। प्रशासन का कहना है कि आपके मुद्दे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं, इसलिए दिल्ली ना जाएं। बातचीत लगातार जारी है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर बात नहीं मानी गई तो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच को सुखबीर यादव खलीफा नेतृत्व कर रहे हैं। अब बता दें प्रदर्शन क्यों हो रहा है। नोएडा को 81 गांव की जमीनों पर बसाया गया है। साल 1997 से 2014 के बीच जमीन अधिग्रहण हुई। इस दौरान 16 गांव के किसानों को मुआवजा और 5% विकसित प्लॉट दिए गए, बाकी किसान हाईकोर्ट चले गए। इस चुनौती पर हाईकोर्ट ने साल 2011 में किसानों को 64% की दर पर मुआवजा देने का आदेश दिया। बाद में इस आदेश के विरोध में कुछ किसान वापस कोर्ट गए। इनमें ऐसे किसान भी थे जिनकी याचिका खारिज कर दी गई थी और जो कोर्ट नहीं जा पाए थे। कोर्ट ने उनकी मांगों को लेकर प्राधिकरण को निर्णय लेने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि आबादी का 10% प्लॉट या उसके क्षेत्रफल के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। इसमें उन्ही किसानों को शामिल किया गया जो हाईकोर्ट के 21 अक्टूबर 2011 के आदेश में शामिल थे, लेकिन प्राधिकरण ने माना कि ऐसे किसान जिन्होंने कोर्ट में चुनौती दी लेकिन उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया। साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने अधिसूचना को चुनौती नहीं दी वो पात्र नहीं हैं। इसके बाद साल 2019 से लगातार किसान प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन करते आ रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।